इतना धूप देता था, आज धूप साथ ही नहीं दे रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग पैंगोंग लेक पहुंच गए और अभी हम लोग मूवी शूट करने वाले हैं, उसका नाम है 5 इडियट्स। वो तो आज रिंकू पूरा ब्लश कर रहा है कि सब लोग उसको तारीफ करेंगे, तो ड्रेस कहां से गया, तो ड्रेस एक बार हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का वीडियो है पैंगोंग लेक के ऊपर, हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग लेक में। अभी तो है हम लोग नूबरा वैली में, सो यहाँ से हम लोग को पैंगोंग लेक जाने में आई थिंक सो हम लोग का ड्राइवर ने जो हम लोग जिनके साथ ट्रैवल करें उन्होंने बोला है कि कम से कम 4 to 5 hours लगेंगे, या तो उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो रुक रुक के चलते हैं क्योंकि हम लोग को फ़ोटोज़ लेना है, वीडियोज़ बनाना है। सो उसका वजह से हम लोग को लेट भी हो सकता है। सो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज पैंगोंग में हम लोग घूमने वाले हैं और पैंगोंग लेक बहुत ही सुंदर होने वाला है। मीन सुंदर होने वाला क्या है, सुंदर ही है, आप लोग को पता ही है और सब लोग को ड्रीम प्लेस भी है पैंगोंग लेक जाने का। सो अभी तो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। सो डाइनिंग रूम पे सामने ब्रेकफास्ट अभी तक लगा नहीं, हम लोग आई थिंक सो कॉफ़ी या तो टी पियेंगे फिर देखते हैं। हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट के वहाँ पे गए थे लेकिन अभी तक ब्रेकफास्ट लगा नहीं है, तो हम अभी वो कॉफ़ी पी रहे हैं और सारा रूम में है और हम लोग को निकलने में अभी भी टाइम है कम से कम आधा घंटा से, तो तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि वीडियो और फोटोज़ क्लिक कर ले थोड़ा बहुत। और हम लोग को मीन्स रास्ता में आज कुछ वैसा आइटनरी में कुछ है नहीं कि हम लोग को कहीं पर रुकना है और कुछ है ये वो वैसा नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग नूबरा वैली से डायरेक्ट पैंगोंग लेक पे हम लोग जा रहे हैं जो कि 5 to 6 hour का जर्नी है, और उसके बाद हम लोग को आई थिंक सो पैंगोंग लेक में हम लोग वहाँ जाएंगे। मीन्स वहाँ क्या, पैंगोंग लेक में सबसे फेमस जगह वो है वो जब तक अचान का जो शूटिंग हुआ था और ये 3 idiots का लास्ट दिन शूटिंग हुआ था, वो जगह में जाके हम लोग थोड़ा बहुत शूट करेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। और वहाँ पर वो भी है जो 3 idiots में लास्ट सीन में जो स्कूटी लेके आया था, क्या नाम था उसका, करीना कपूर। सो वो वाला स्कूटी भी वहाँ पे है और 3 idiots का जो और भी बहुत कुछ है वहाँ पे। सो वहाँ पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे फ़ोटोज़ और थोड़ा बहुत वीडियोज़ बनाएंगे फिर देखते हैं। और रात को कैंप पे वहाँ पर ही स्टे है हम लोग का पैंगोंग लेक में, कौन सा कैंप था, स्काई कैंप नाम का कोई एजेंसी है, वो वाला कैंप पे हम लोग का स्टे है। सो अभी कॉफ़ी पीते हैं फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, और धूप बहुत देर है, काइंडली एक सेकेंड, बहुत धूप देर है। सो हम लोग का जो टेंट है ये पूरा जगह है, यहाँ पर बाहर में बैठने के लिए भी बहुत अच्छा है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। बाय द वे कल रात को हम लोग ने 1:30 या तो 1 o'clock में सोया था, मीन्स हम लोग जो लोग हम लोग का ग्रुप में जो लोग हैं हम लोग सब लोग ने थोड़ा बहुत गेम्स खेला, फिर हम लोग का बॉनफायर हुआ। बॉनफायर का आई थिंक सो मेरे पास वो नहीं है, मीन्स कैमरा से वीडियो नहीं किया था, फ़ोन का वीडियो, अगर हम सकेगा तो हम लास्ट व्लॉग में जितना भी है सारा नॉर्मल वीडियोज़ भी हम दे देगा। सो देखते हैं अभी क्या करता है क्या नहीं। सो चलते हैं अभी, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और करीब 9 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। सब लोग अभी फ़ोटोज़ खींच रहे रहती ओके, क्योंकि कल रात मतलब कल आते आते यहाँ पे रात हो गया था और ये इतना अच्छा प्रॉपर्टी कि फ़ोटोज़ तो होना ही है। तो अभी हम लोग जाने वाले ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ है, मतलब वैरायटी बहुत कुछ है, ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया, तो उसके बाद हम लोग 9 बजे निकलेंगे, तो फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग सब मतलब जो भी बैग वैग था सब गाड़ी में घुसा दिया है, अभी हम लोग जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आप रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ, बहुत टेस्टी थे कल रात से मैं खा रही हूँ। दिखाओ एक बार कितना सारा है। कितना सारा एप्रिकॉट है यहाँ पे, हम लोग कल रात से खाए जा रहे हैं, बहुत पेड़ है यहाँ पे, सारा एप्रिकॉट का पेड़ है और हम लोग कल से खाए जा रहे हैं, इतना टेस्टी है। सो ये अभी थोड़ा बहुत तोड़ने वाले, उसके बाद निकलते हैं। हम लोग कितने देर से फोटोज खींच रहे थे, और यहाँ पे हम लोग ने जो बैग लाया वो कम से कम 12 से 13 kg का है और बार बार हम लोग को उठा के इधर से उधर जाना है, ये कुछ है नहीं। तो हम लोग तो होटल से कब का निकल चुके हैं, अभी हम लोग भैया कहाँ पहुँचे, सॉरी कैंप से कहाँ पहुँचे भैया, अभी अगम, अभी हम लोग अगम पहुँचेंगे, मीन्स पहुँचा नहीं है उसके थोड़े पहले, और हम लोग को अभी भी 4 hours जैसा लगेंगे। और हम लोग बीच में थोड़ा रुके थे मीन्स वॉशरूम ब्रेक के लिए और थोड़ा फोटोज़ वोटोज़ भी क्लिक किया, रील्स बनाया, थोड़ा वही वो सब चला। अभी जो रास्ता है हम लोग कल जो रूट से आया था अभी वही रूट से बैक जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके कहीं दूसरा रूट से हम लोग पैंगोंग लेक की तरफ जाएंगे।
सो वही, और हम लोग का जो बाकी ग्रुप का मेंबर्स है उन लोग भी आगे पीछे ही है, मीन सारा गाड़ी एक साथ ही चल रहा है आज। आज मतलब कोरिएट में चल रहा है, नहीं तो कल कोई तो मतलब कोई एकदम ही आगे है तो कोई बहुत ही पीछे है, तो ऐसा हो गया था। आज सब लोग एक साथ ही चल रहे हैं, तो अभी चलते हैं आगे देखते हैं। और आप सीनरी देखिए क्योंकि यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा है, तो आप लोग देखते रहिए। अभी हम लोग यहाँ पे सब लोग रुके हैं, अभी यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को टी ब्रेक के लिए रुकना है। सो जिसको जिसको चाय पीना है वो लोग तो सब लोग गए, तो सोच रहे हैं हम भी पी ले। मन तो नहीं है, मन जर्नी करने के टाइम में कुछ अजीब फील हो रहा था, सुबह जाते कुछ खा लिया, तो अभी देखते हैं चाय पीने से ठीक होता है या नहीं। यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है। सो हम लोग फिर से और एक जगह पे रुके हैं, यहाँ पे जो व्यू है एक्चुअली व्यू मतलब लद्दाख का सारा ही बहुत औसम है। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग फोटोज क्लिक करने के लिए रुके हैं, यहाँ पे आगे में पीछे में एक ब्रिज है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करने जा रहे हैं। और बाकी हम लोग का जितने भी दोस्त लोग हैं सब लोग यहाँ पे रुका हुआ है। वो तो आज रिको पूरा ब्लश करेंगे, सब लोग इसको तारीफ करेंगे। तो ड्रेस कहाँ से लिया, तो ड्रेस कहाँ? एक बार दिखा मेरा ड्रेस। गाइस कैसा लग रहा हूँ? ये भी कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करना। ऐसे आप लोग को ये सब तो अभी हम लोग ऐसे ही जस्ट वीडियो में दिखा रहे हैं। अगर आप लोग को फोटोज देखना है हम लोग का तो इंस्टाग्राम में जाके देखिए, फॉलो कीजिए। सो जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। सो अभी हम लोग ब्रिज के सामने आ गए, क्लिक करते हैं फोटोज, फिर चलते हैं आगे। बोलो क्या बोल रहे थे? हम फंस गए हैं गाइस, प्लीज हमको निकाल दो यहाँ से गाइस, रास्ता नहीं है आगे, बिल्कुल रास्ता नहीं है गाइस। सो गाइस यहाँ पे हम लोग फंसे नहीं है, लेकिन यहाँ का रोड बहुत खराब है, मींस एकदम ही खराब है। सब लोग रुक रुक के जा रहे हैं, मतलब इतना देर से इतना मतलब रोड का हालत खराब था ना, पूरा बॉडी मसाज हो चुका है हम लोग का। थोड़ा देर बाद ना ऐसा लग रहा है कि सारा पुर्जा खोल के निकल के आ जाएगा हाथ में बॉडी का। सो अभी यही चल रहे हैं, धीरे धीरे से हम लोग चल रहे हैं। बाहर का नज़ारा सच में यार, यहाँ का रोड सब बहुत खराब है। सो गाइस आप लोग कमेंट कीजिए कि जो सीन सब आप लोग देख रहे हैं कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत से बना रहा है क्योंकि एक तो गाड़ी चलते चलते विंड बहुत लगता है, विंड ब्लास्ट, और उसमें कैमरा पकड़ के ये सब बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अभी हम लोग जस्ट रुके हैं लंच के लिए, और इतना देर तो हम लोग सो ही गया था हम दोनों, ये तो अभी यहाँ पर खड़ा है। हम दोनों एकदम सो गए थे, मीन्स कम से कम हाफ एन आवर के लिए सो गए थे, अभी उठे तो अभी लंच के लिए आए। सो देखते हैं अभी क्या खा सकते हैं, भूख तो लग रहा है बहुत। तो हम लोग अभी खाना खा के निकल गए, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे खाना खाने रुके थे, अभी रिको वॉशरूम के लिए गया है। मैंने एक स्नीकर्स लिया क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाना पसंद है, उसने भी लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ से फिर डायरेक्ट पैंगोंग के लिए निकलेंगे, अभी 40 किलोमीटर्स जैसा है, तो हम लोग पहुँचते पहुँचते 2 आवर्स तो लग जाएंगे क्योंकि रोड्स ख़राब है ऊपर से, और बारिश भी देने वाला है क्योंकि आज वेदर मतलब धूप नहीं दे रहा है, वेदर आज ठंडा है बहुत। तो लेट्स सी कितने बजे तक पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचना चाहिए ताकि फ़ोटोज़ थोड़ा भी अच्छा आए, क्योंकि धूप तो दे नहीं रहा है तो फ़ोटोज़ शायद से अच्छे आए। सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके, और हम लोग के पीछे बहुत सारे याक है, ये रहा आप लोग को जूम करके देखें, ये रहा बहुत सारे, कम से कम 20 जैसे तो होंगे। सो अभी उन लोग का थोड़ा फोटो वोटोज क्लिक कर रहा था, और ये जगह भी बहुत सुंदर है। पता है इसको क्या बोलते हैं? तो फाइनली गाइस हम लोग पैंगोंग लेक पहुंच गए, और अभी हम लोग मूवी शूट करने वाले हैं, उसका नाम है 5 इडियट्स। अभी हम लोग मूवी शूट करने वाले हैं 5 इडियट्स। अंदर होगा आई थिंक सो।
ग्लासेस अंदर है। हम लोग का कैंप देखिए कितना दूर है, वहाँ से लेक तक आने में तो हो ही गया। और सुबह आएंगे हम, कैसे आएंगे? मेहनत करके, मेहनत के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पी के आएंगे। अपना ही साया देख के तुम। सॉरी गाइस, हम गाना गा रहे, थोड़ा मूड में आ गया था गाना गा गा के। बहुत दूर है ये पॉइंट, यहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक है थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे 3 Idiots का शूटिंग हुआ था और जब तक ये जान का शूटिंग हुआ था। आ जाओ, और यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, वेदर थोड़ा ठंडी जैसा है क्योंकि धूप नहीं दे रहा है। और हम लोग का कैंप आप लोग को अगर दिखाएंगे तो कहाँ कहाँ, ये रहा इधर पीछे में मेरा फोन। चलो चलते हैं आगे, नीचे नीचे हो जाएगा। मैंने ऐसे दौड़ के वो एप्रिकॉट फेंक के ये स्कार्फ लाई क्योंकि मुझे मार्क्स पता है, मैंने 3-3 मार्क्स घुमा दिए। कलर बहुत सही लग रहा है पैंगोंग लेक का, पहले ब्लू फिर पर्पल फिर ग्रीन फिर पर्पल। अभी रिको पत्थर फेंकते हुए करे यहाँ के वीडियो में। पत्थर रेडी? हाँ रेडी, नीचे से फेंकना है। रेडी रेडी, ये तो वाइट है, ब्लू कहाँ है? वेयर्स ब्लू? जब वो धूप जब पड़ता है तब दिखता है। हाँ, चलो मारो मारो मारो। हाँ मारो पत्थर मारो। नहा सकते हैं इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल यार, इधर गया। जो घर पे नहीं नहाते उनको लेक में नहाना है। अरे लेक फोर मत मारो यार, पत्थर ऊपर आ जाएगी। नहीं चार गया। ठंडी है? बहुत ज्यादा ठंडा है। आजा आजा, बहुत ठंडा है। अच्छा साथ वो पत्थर वो चाहिए। अरे ओ भाई साहब, अरे गुड यार, यार इसके लिए वो वाला चाहिए ना पत्थर, ये वाला यार मत फेंको यार, छोटी हो जाएगी। क्या छोटी हो जाएगी, ये क्या था? आज हम लोग को धूप साथ नहीं दे रहा है, इतना धूप देता था आज धूप साथ ही नहीं दे रहा है। So, धूप के वजह से शायद धूप नहीं है बल्कि ना लेक उतना अच्छा नहीं, मतलब वो जो धूप जब पड़ता है ना लेक में तब उसका कलर बहुत चेंज होता रहता है। अभी भी हो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पे फेमस 3 Idiots का जो पॉइंट है वो ये रहा, यहाँ पे सब रखा हुआ है, ये स्कूटर, ये ड्रम्स, ये बैठने वाला, और आगे में भी है। हम लोग दिखाते रहते हैं आप लोग को। अभी हमको यहाँ से पता नहीं है कि हम वो ओरिजिनल वाला कौन सा है क्योंकि सारा एक ही नंबर प्लेट का और एक ही है। ये यहाँ पर ही लास्ट सीन शूट हुआ था, मतलब यहाँ नहीं एक्चुअली आगे में शूट हुआ था वो जगह पे, यहाँ पे सारा रखा हुआ है। तो वहाँ चलते हैं एकदम लास्ट सीन वाला जगह पे। अभी हम लोग इधर आए हैं, मीन्स कब का आ चुके हैं हम लोग, थोड़ा देर फोटोज क्लिक करने में बिजी हो गए थे। मीन्स ये जो एरिया है, ये एरिया में ही मीन्स वो शूट हुआ था, 3 Idiots वाला भी यहाँ शूट हुआ, जब तक है जान वाला भी यहाँ पर शूट हुआ था जहाँ पर वो कौन था हीरोइन पता नहीं, मैंने नहीं देखी, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा ने जम किया था पानी में। हाँ यहाँ पर हुआ था, किसी को नहीं पता। जब तक है जब तक है जान का जो अनुष्का शर्मा वो ड्रेस खोल के जो जंप मारते ना पानी में, इधर ही हुआ है कहीं, और उधर पोस्टर भी लगा हुआ है। अच्छा देखना है जब तक। सो अभी यहाँ पे हम लोग का फोटो सेशन हो गया है तो अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड हो रहा है। अभी पता नहीं क्यों, अभी भी सूरज तो पीछे में है लेकिन मींस छुपा हुआ है क्लाउड के अंदर, बहुत है, मैं जम गई मेरी मतलब हाथ एकदम, मतलब ठंडा वाला हवा दे रहा है तो मेरा सिर दर्द भी हो रहा है। तो अभी चलते हैं कार में, कार में जाने के बाद कार से हम लोग को वहाँ कैंप पे जाना है। और कैंप हम दिखाते हैं एक बार कहाँ पे एक्चुअली, ये हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कैंप है वो दूर में बहुत सारा। आई थिंक सो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक सो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सो हमको जाके दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कैसा कैंप है, कैसा नाइट स्टे होगा हम लोग का।
सो अभी हम लोग कैंप के सामने आ चुके हैं। एक सेकंड हम ग्लास पहन लेते। हाँ सो अभी हम कैंप के सामने आ गए। ये पीछे जितना भी कैंप है हम लोग का ही है, सारा हम लोग का है एक्चुअली। और हम लोग मेरा और सायरा ने ये वाला लिया है 13 नंबर, और इस तरफ 14 नंबर और 15 नंबर हम लोग का तीन बाकी जो ग्रुप का मेंबर है उन लोग ने लिया। बाकी यहाँ से व्यू पीछे में तो बहुत मजा है क्योंकि पेंगुइन लेक पूरा दिख रहा है हमको। एक प्रॉब्लम है वो है करंट है ही नहीं अंदर, लाइट वाइट कुछ नहीं चल रहा है। आई थिंक सो अभी लाइट नहीं दिया है क्योंकि अभी सिर्फ 7 बजे गर्म पानी मिलेगा वो भी पॉकेट में, एक बाल्टी रख के जाएंगे। तो अभी आई थिंक सो वो हम लोग को वो दिया नहीं है, मीन्स करंट नहीं दिया। वो शाम होने के बाद यहाँ पर लाइट जला देंगे 14 नंबर। तो चलो चलते हैं रूम दिखाते हैं अंदर। रेडी? इतना अंधेरा रूम, अंधेरा है थोड़ा एडजस्ट। ये है हम लोग का रूम, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लास्ट रूम का तरह ही है। लास्ट रूम अच्छा था, लास्ट रूम इससे बड़ा था और बहुत कुछ था सामान वामान। सो ये वाला ऐसा है, और यूजली यहाँ पे वॉशरूम बहुत छोटा है। सो अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा घूमते हैं बाहर, फिर फ्रेश होने के बाद शाम को देखते क्या करते हैं। सो गाइस अभी कुछ प्लान तो नहीं है। सो हम लोग सोचा है कि ये ब्लॉग अभी यहाँ पर ही एंड करते हैं। सो ये ब्लॉग आपको आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये ब्लॉग को शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो अभी चलते हैं क्योंकि इसके बाद फिर से नेक्स्ट ब्लॉग मुझे स्टार्ट करना है। सो वही चलते हैं, बाय।